गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन. स्टे होम स्टे सेफ. टुडे वी विल स्टार्ट पेज नंबर 3. टुडे इज 3rd June. Class 2. Subject Maths. Page number 3. G class. क्लास टू, ये आपका पेज नंबर 3 है. क्वेश्चन है, पुट दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. आपने ये नंबर बेतरतीब है, आपने इनको तरतीब से लिखना है. हमने इसमें असेंडिंग ऑर्डर में हमने छोटी रकम से बड़ी की तरफ जाना होता है. पहले आपने छोटी रकम लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी. इस तरह आपने तरतीब से लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेवन, सेवेंटीन, 49, 82, 32, 6, 6. जी क्लास, अब आपने देखा होगा कि को ये काउंटिंग, ये तरतीब जो है वो रकम तरतीब से नहीं लिखी हुई. अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिखेंगे? पहले हम सबसे छोटी रकम कौन सी है इसमें, 6, 6, फिर इसके बाद 11, इसके बाद 17, नेक्स्ट 32, नेक्स्ट 49, नेक्स्ट 82. असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं. ओके क्लास, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है. Good morning, class of 2. How are you? Hope you will be fine. Today we will start page number 3. G class, page number 3. क्वेश्चन है, पुट दिस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. पुट दिस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. क्वेश्चन, पुट दिस नंबर इन descending order. G class, descending order में हमने क्या करना होता है? हमने बड़ी रकम से छोटी रकम की तरफ जाना होता है. सबसे पहले बड़ी रकम, फिर उससे छोटी, और फिर सबसे छोटे. आपने तरतीब से लिखना होता है. ठीक है, आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 1. इसमें जो है रकम तरतीब से नहीं लिखी हुई. अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इस रकम को लिखेंगे.
क्वेश्चन नंबर 1, 14, 41, 66, 37, 68, 63. अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? इसमें सबसे बड़ी रकम कौन सी है? आप देख लें कौन सी सबसे बड़ी रकम है, 68। इसके बाद इससे छोटी रकम 66। उसके बाद ये आप देख सकते हैं 63। नेक्स्ट देख लें आप 41। नेक्स्ट देखें आप 37। नेक्स्ट 14। यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह हमने करना है बड़े से बड़े। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। स्टे होम, स्टे सेफ। टुडे वी विल स्टार्ट पेज नंबर 4। क्लास 2, फ्राइडे। सब्जेक्ट मैथ, पेज नंबर 4। क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंस प्लेस वैल्यू? क्वेश्चन है हाउ मैनी टेंस हाउ मैनी वंस काउंट एंड राइट। क्लास की पिक्चर आपको नजर आ रही है। आपने इस पिक्चर्स में देखा होगा कि ये बॉक्स है और इसमें 10 पेंसिल्स हैं। इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे, 110। जी क्लास, ये हम किस तरह लिखेंगे इसे, 110, 3 ones, ये कितनी हुई, 13। इस तरह आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। ये बॉक्स है, 110 कहलाएगा, ये 3 पेंसिल्स हैं, 3 वंस, काउंटिंग इक्वल 13। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से।